हिंदी में ही समझेंगे, बात करेंगे, इसलिए मैं कृपया थोड़ा हिंदी में बोलने की गुस्सा भी करूंगा कि समूचे गुजरात में प्रत्येक राज्य में केवल एक या दो ही अकाउंट वो होते हैं। और गुजरात का सौभाग्य है कि गुजरात की जो हेड ऑफिस है ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल की, वो राजकोट में है, अहमदाबाद में नहीं। खर्च करती है उसका ऑडिट, उस पर जो निगरानी रखते हैं वो अकाउंटेंट जनरल होते हैं। क्या यहाँ पे पधारे और उनका प्रवचन देने की कृपा करें। आदरणीय अकाउंटेंट जनरल राम हित सर। और जिस सफलता पूर्वक समाज की सेवा कर रही है, मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजन बहुत अच्छे हैं कि समाज के बीच, लोगों के बीच अवेयरनेस हो, जानकारी हो कि तमाम तरह की जो हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको आसानी से हंसते हंसते इनकी टीम किस तरह से एक संकट को एक सुख में बदल देती है। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने फादर को लेकर के बहुत परेशान था और मैं यूपी का हूँ, इलाहाबाद का हूँ, वहाँ से उनको दीपावली की छुट्टी के समय में गांव गया हुआ था तो दिल का दौरा पड़ा। फिर वहां से एडमिट करने के बाद फिर एम्स ले आया। एम्स में भी चूंकि हम लोग अब ऐसे ओपन रूप से तो कहना ठीक नहीं होता, मगर अब ऐसे विभाग से हैं कि थोड़ा जान पहचान होने की वजह से नंबर पहले हमको मिल गया। उसके बावजूद भी वहाँ हमको जिस तरह का निराशा पूर्वक माहौल था, तो हमने पोपट भाई से संपर्क किया, ये हमारी ऑफिस के हैं, हमारे अधीनस्थ हैं, तो इन्होंने हमको पूरी, मैं बाहरी आदमी हूँ, हमको तो पूरी इतनी जानकारी नहीं थी, मगर जो बाद में हमें जानकारी मिली, फिर हमने उनको वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आया और वो सफलतापूर्वक सब चीज़ हो गया। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है और मैं पर्सनली भी व्यक्तिगत रूप से मैं डॉक्टर अनिल जैन और इनकी टीम का आभारी हूँ और प्रशंसक हूँ। तो मैं जो देखा हूँ, जो मैं अनुभव किया हूँ, यहाँ मैं मंच से आप लोगों को मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि समाज में हम सब जो काम कर रहे हैं, हमारे काम, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो और भी काम करते हैं, तो सबका रोल अलग अलग है। मगर जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर, जमीन पर वो भगवान का रूप है वास्तव में, क्योंकि भगवान ने तो एक निश्चित कर दिया है कि हाँ ब्लॉकेज हो गया, ये चीजें हो गई हैं, उसको हम आप जैसा दूसरे फील्ड का आदमी क्या समझेगा। हमको तो खुद भी पहले भी कोई तजुर्बा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा जो मौका आया तो हमें इतना ज्यादा फादर से ज्यादा तो नर्वसनेस मुझे आई, जैसे कि अभी इसमें स्लाइड शो में चल रहा था। तो वास्तव में मैं जो मेरा अनुभव था उस हिसाब से और मुझे जो जानकारी है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल जैन साहब, ये गुजरात नहीं बल्कि इंडिया नहीं बल्कि मैं, मेरी जितनी जानकारी है, मैं जो इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, समझता हूँ हिसाब से, ये वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर है। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर इनको और अच्छी क्षमता बढ़ाए और लंबा जीवन दे और इनकी कार्य क्षमता बढ़ी रहे, जिससे कि समाज का ये अपनी टीम के साथ में और पूरी ऊर्जा के साथ में जितना अच्छा योगदान दे सके दें। इसी शब्दों के साथ मैं अपना ये समाप्त करता हूँ और आप सभी को और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर मयंक भाई ठक्कर साहेब पधारे छे, तो हूँ नीलेश भाई ने विनती करीश के पुष्प मयंक ठक्कर गिरिराज भक्त अकाउंटेंट जनरल साहेब, व्यस्त मणिबेन शिवपाल चेरिटेबल ट्रस्ट ना ट्रस्टीओ, मंचस्थ विराजमान महानुभावो અને જૈન સાહેબને સાંભળવા માટે પધારેલ
सर्व भाइयों बहनों, शिवपाल परिवार पोताना प्राइवेट ट्रस्ट थी जे कार्य करी रह्यु छे ए माटे ए खरेखर धन्यवाद ने पात्र छे। डॉक्टर अनिल भाई जैन जेमना विषे कई पण कहेवू ए बहु मुश्किल काम छे, एमनू कार्य ए ज एमनी ओळखाण छे। एमणे जे हृदय रोग विषे अने आपने जीवन जीवनी स्टाइलना फेरफार विषे जे कई कहेवानुं छे ए आपने कहेशे अने आप एने अनुसरशो तो एमने कंसल्ट करवानी जरूर नहीं रहे। જૈન સાહેબ એ મને ખ્યાલ છે કાર્ય છે ને એ શરૂઆત વર્ષોથી આપણે જોઈએ છીએ તેમ, અને એમને કેથેટરાઇઝેશન વિશે પણ થોડું રિસર્ચ પણ કરેલ છે। વધુ સમય આપનો નહીં લઉં કારણ કે એ જ ડૉક્ટર અનિલ જૈન સાહેબને કેટલીક સંસ્થાઓ સન્માનિત કરવા માટે મોમેન્ટો આપવાની ડોક્ટર અનિલ જૈન સાહેબને લોહાણા મહાજન સંસ્થાના ડોક્ટર અક્ષરભાઈ કાકડિયા લોહાણા યુવક મંડળના આદર પાછલા 15 દિવસથી લગભગ હિતેશભાઈ એટલી બધી મંજૂરી સાથે એક સરસ સૃષ્ટિ જય ભજન માલિક ઇવેન્ટ સૌરભ જનરલ શ્રી રામ હિત સાહેબ શેષપાલ પરિવાર હતી is a must. Think before you eat. There's no harm in being health conscious. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. This talk wouldn't have been possible without learned Dr. Anil Ji and his team. His strive to help people through and share his knowledge has helped us a lot. I would like everyone to carry a huge round of applause for him. બીજો આભાર આપણી આ ઉત્સુક રાજકોટ જનતાને જે રવિવારની સવારે વહેલી ઉઠીને અહીં આવે, તમારા વિના આ કાર્યક્રમનો મતલબ જ નહોતો ને, તમારા માટે વિદાય પ્લીઝ. નો ઇવેન્ટ કેન હેપન ઓવરનાઇટ, ઇટ રિક્વાયર્સ અ લોટ ઓફ પ્લાનિંગ એન્ડ બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ ફોર ડિટેલ્સ. દિસ ઇવેન્ટ વુડ નોટ બી પોસિબલ ઇફ ઇટ વુડન્ટ હેવ બીન ફોર સેજપાલ ફેમિલી, લેટ મનીબેન રામજીભાઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, રાજુભાઈ સેજપાલ અને ધ્રુવ સેજપાલ. એમને જાગીને આ બધી વસ્તુનું પ્લાનિંગ કરેલું તઈ તો આપણે અહીંયા આવેલા,
इमने भी वेरी वेरी थैंक यू. थैंक यू स्पॉन्सर्स, डेलीगेट्स ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, वीआईपी गेस्ट, बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट, देवपरा शाक मार्केट ना प्रमुख मनसुख भाई जोबनपुत्रा, मनीष भाई सोनपाल तथा सीनियर सिटीजन ग्रुप, तमाम प्रेस मीडिया, हसन भाई मलिक अपना एंकर, हरतेश भाई पोपट, गुजराती टीवी में श्री माधव भाई जशापरा, केनी भाई क्रिश्चन, लोहाना युवक प्रगति मंडल, मलिक इवेंट्स, विवेकानंद यूथ क्लब, श्री राजकोट लोहाना माजिन, तमारा बिना आ इवेंट अधूरी होत. विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है सवरने के लिए. आज आप नक्की करिए कि जैन साहब अपने जी किए ये बधु अमल करीश त्यारे आपनो वर्दीओना लिस्ट में क्या इनाम नहीं आवे. थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर प्लीज. उत्कंठा थी आपड़े इंतजार कर रहे हैं, राह जो रहे हैं हवा जैन साहब प्रवचन आपड़े सांभळवा. कार्डियो वास्क्युलर और थोरासिक सर्जन माना एक नड़ाता डॉक्टर अनिल जैन साहब हजारों दर्दियों में एक नवो जीवन संचार करीने समाज की विशिष्ट सेवा करी छे. भारत में तमाम वयजूथना लोगों में हृदय रोग नु प्रमाण आज मोटा प्रमाण में वधी रह्यु छे. त्यारे डॉक्टर जैन साहेब हृदय रोग अंगे जागृति माटे प्रयत्नों करी रह्या छे. तेओए ब्रह्म वाक्य आपेल छे, तेओए एक ब्रह्म वाक्य आपेल छे के सक्रिय जागृति ज हृदय रोग नु वधतु प्रमाण अटकावी शकशे. सक्रिय जागृति, आ सक्रिय जागृति शुं छे ए साहेब ज कहेशे. हाल में 10 करोड़ थी पर वधु भारतीय हृदय की धमनी रोग थी पीड़ाई छे. जो आ परिस्थिति में फेर नहीं पड़े तो भारत में थता मृत्यु नु मुख्य कारण हशे हृदय रोग नो हुमलो. साहेब विषय एक नानकड़ी बात के आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन साहेब अत्यार सुधी में 25,000 थी वधु लोगों ना हृदय की सर्जरी करी. અને 1800 થી પણ વધુ વાલના ઓપરેશન કર્યા છે. સાહેબે ના પાડી છે એટલે એક જ લાઈનમાં સાહેબ વિશે કહી દઉં મિત્રો કે 8 મહિનાના બાળ દર્દીથી લઈ 80 વર્ષના વયોવૃદ્ધ દર્દીના દચકા ખાતા હૃદયને સાહેબે ધડકતા કર્યા. અને એટલે જ સાહેબ કહે છે કે આમાં કશું નહીં, હું અને મારી સાથે 25 માણસોની ટીમ છે. આ સમગ્ર વસ્તુ મારી ટીમને કારણે સંભવ થઈ છે. એટલે આ તમામ કાર્યનો જસ યશ શ્રેય હું મારી ટીમને આપું છું. અને કેનીભાઈ ક્રિશ્ચન જે સાલ હોસ્પિટલના ઘણું બધું સંભાળે છે, બધું સંભાળે છે, કેનીભાઈ મને ખાસ વાત કરી કે સાહેબ એટલા મિલનસાર છે, એટલા ડાઉન ટુ અર્થ છે કે જ્યારે પેશન્ટ જાય તો એને લાગે જ નહીં કે આ આવડા મોટા સર્જન હશે. ને સાહેબની પ્રથમ કોશિશ એ હોય છે કે એને સીધે સીધો રસ્તો મળે, પેશન્ટને યોગ્ય સારવાર થાય અને ઓછામાં ઓછું લોકોને ત્યાગ દે જીવન કે પ્રીત દિલો મેં પલતી રહે. दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीने देता है.